हे फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुबोध रावत। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि पवनदीप की बहुत बड़ी फैन है। इनफैक्ट पवनदीप के तो पूरे वर्ल्ड में इस समय एक से बढ़ के फैंस हैं, बड़े बड़े फैंस हैं, तो ये उनमें भी बड़ी फैन लगती है मुझको। तो आज इनसे बात करेंगे और ये पाकिस्तान से हैं, इनका नाम है आलिया हसन और इनको मैं लेकर आया हूँ एक रिक्वेस्ट पे, जो कि हमारे एक मेरे ही चैनल के व्यूअर्स भरत सिंह ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या आप आलिया को लेके आ सकते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं आलिया को लेके आया हूँ। आलिया, वेलकम टू माय चैनल, आपको मेरा नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने मुझे ये मौका दिया और उन सब लोगों का बहुत सारा प्यार है मेरे लिए कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच। गुड गुड, थैंक यू आलिया। एंड ये मतलब रिक्वेस्ट ही नहीं करी, वो भी मतलब उनको आपकी पोयम इतनी पसंद आई है, इनफैक्ट उन्होंने जो आपने उर्दू में जो बोली है उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है, पूरा मेरे ही वीडियो में कमेंट पे लिखा है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप क्या लेके आ सकते हैं आलिया को, तो मैंने कहा मैं जरूर ट्राई करूंगा और आज मौका मिल गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी उनके इतने प्यार के लिए, इतनी इज्जत के लिए। बिल्कुल, आपका थैंक यू मैसेज उन तक जरूर पहुंचेगा। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप पवनदीप की फैन कैसे बनी, उनको क्यों पसंद करती हैं आप? कैसे बनी, एक बहुत लंबी स्टोरी है। मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही हैं अब तक, तो उनमें ये था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और वो ऐसी कंडीशन थी कि मुझे ऐसे लगता था कि आलिया की लाइफ जो है वो यहाँ पर खत्म हो गई है और बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो बहुत ज्यादा मैं बीमार थी और परेशान थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं किसी भी लम्हे बस मर जाऊंगी। मैं एक रूम में बंद हो गई थी, तो मैं डॉक्टर्स मेरे जो हैं उन्होंने, मेरे डॉक्टर ने काफी ट्राई किया कि उन्होंने बोला कि अपना दिमाग कहीं और लगाओ, आप अपनी सोच नहीं बदलोगी तो आप ठीक नहीं हो सकती, मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलती। तो ये था कि मैं एक रूम तक बंद हो गई थी और मैं वेट कर रही थी कि बस कुछ हो जाएगा और मैं बस, मेरे घर वाले हंसते भी थे परेशान भी होते थे, तो ये ऐसी कंडीशन में चली गई थी मैं। तो बहुत इमोशनल आपने किया, इनफैक्ट अभी मैं आई एम लिटरली इन टीयर्स, लेकिन आप अभी अच्छी है ना, ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मैं बताना चाह रही थी कि मैं उसी कंडीशन में ही थी, तो यूं हुआ कि मुझे सोशल मीडिया यूज करना मना किया गया था क्योंकि उससे मैं ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी, कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जो डिप्रेस कर देती हैं। तो मैंने बस स्क्रॉल किया और पवन की वो एक बार आई वीडियो, मैंने उसको आगे कर दिया, उसके बाद फिर वीडियो आई मैंने उसको भी आगे कर दिया, लेकिन फिर मैंने जब दोबारा वो आई और मैंने पवन के चेहरे को देखा, तो मैंने उनके चेहरे में वो मासूमियत देखी, एक सच्चाई सी देखी और खास तौर पे उनकी स्माइल, तो मैं ठहर गई वहां पर। तो जिस तरह वो बात कर रहे थे तो बोलते हुए उनकी मुस्कुराहट जो है वो सुनाई देती थी, तो बस मैं वहां ठहर गई और मैं उनके साथ हंसने लगी। मुझे ऐसे लगा कि ये खुशी है जो मैं ढूंढ रही थी शायद, तो मैं भूल गई कि मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं भूल गई कि मैं क्या सोच रही थी, मुझे क्या खौफ था, मेरे आसपास क्या चल रहा था, मैं सब भूल गई और मैं बस उनको ढूंढने लगी। मैंने उनकी हर वीडियो खोली, मैंने उनके ITA अवार्ड थे, आई थिंक कौन से अवार्ड थे, वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया था, तो वहां पर वो बड़ी स्माइल देकर गा रहे थे और सब लोग तारीफ कर रहे थे और मैं बस ठहर गई। मैंने उनको ढूंढना शुरू किया, मेरे दिन और रात बस इसी तरह गुजरने लगे कि मैं उनकी बस उनकी बातें सुनती रहूं, मैं बस उनकी स्माइल देखती रहूं। और मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि जब तक मैं अपना दिमाग इधर उधर नहीं लगाऊंगी तो मैं ठीक नहीं हो सकती, और पवन वो थे जिन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे वहां से निकाल दिया। तो पवन, तब मैंने उनके लिए वो पोइम लिखी थी। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि पवन आपकी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के आए हैं, फरिश्ता बनकर आए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं उनको अपना एक दोस्त भी मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप मुझे बताएंगे, ये आपकी जो बीमारी आपने बताई, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कब की बात है ये, मतलब ये मंथ या ईयर? ये तकरीबन पिछले पिछले साल के अप्रैल की बात है। अच्छा, अप्रैल की बात है, उस समय इंडियन आइडल का शो चल रहा था।
बिल्कुल शो चल रहा था और मैंने वो मतलब स्टार्ट से नहीं देखा हुआ, बस यही कि लास्ट जब मैंने जब उनको देखा वो लास्ट डेज चल रहे थे, जब वो करण जौहर का आई थिंक लेटेस्ट एपिसोड आया था, तब से मैंने उनको देखा था। हाँ तो मतलब देखी वो एपिसोड नहीं थी, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड वो था, लेकिन मैंने स्टार्ट में देखा तो उनका ऑडिशन ही देखा था। आप अभी बिल्कुल ठीक है मुझे ऐसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। तो अभी मैं ये समझ सकता हूँ कि मतलब पवनदीप मतलब आपके और भी बहुत सारे सिंगर्स होंगे जो फेवरेट सिंगर्स होंगे, मुझे लगता है पवनदीप भी आपके मतलब वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स होंगे या टॉप सिंगर्स होंगे फेवरेट में, मुझे नहीं पता, बताइए। नहीं एक्चुअली थोड़ा यूं है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं काफी ज्यादा अपने रिलीजन के करीब रही हूँ और मैंने सॉन्ग्स मूवीज ड्रामास ये चीजें देखी ही नहीं है। मैं नहीं देखती थी, बिल्कुल नहीं देखती थी। तो बस मैंने अगर सॉन्ग सुनना शुरू किया है तो सिर्फ पवन को सुन के, पवन की आवाज से बस मैं उनकी आवाज में गुम हो जाती हूँ। और मैं जब भी राइटिंग करती हूँ तो पवन का सॉन्ग कंटिन्यूअसली मेरे कानों मेरे मतलब बजता ही रहता है, तो मैं लिखती हूँ। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि यू नो पाकिस्तान से तो इतने बढ़िया बढ़िया सिंगर्स आते हैं, यू नो अभी लेटेस्ट तो हमारे आतिफ असलम साहब हैं और राहत फतेह खान साहब तो हैं और नुसरत साहब तो मतलब वो मतलब मास्टर थे यू नो अपने टाइम पे। तो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आपका कम ध्यान रहा है यू नो म्यूजिक पे। मैं सॉन्ग्स नहीं सुनती थी, कुछ लोगों के साथ मानता हूँ चीज को, बिल्कुल। तो ये अच्छा लगा मुझे। तो अब आप ये बताइए कि पहले तो बताइए कि अभी आपको पवन के कौन से सॉन्ग्स बहुत पसंद आ रहे हैं, और मुझे जहां तक ध्यान है आपने आज जो कॉन्सर्ट हुआ था यू नो लॉस एंजलिस में लॉन्ग बीच में वो भी शायद देखा है, तो वो आप उसके बारे में कुछ रिव्यूज बताइए, कैसा लगा आपको वो? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि पवन बिल्कुल खोए हुए हैं और उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा उभर के आ रही थी और एक अजीब सी खनक थी उनकी आवाज में, वैसे भी है लेकिन आज कुछ अलग ही था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह बस एक एनर्जी सी आ गई मेरे अंदर भी जब मैंने उनके सॉन्ग से उनकी आवाज से उनकी स्माइल से अपना दिन शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगा। गुड, कोई स्पेशल सॉन्ग आपको पसंद आया उनका आज के शो में, और वैसे उनके कोई सॉन्ग आपको पसंद आते हैं इसके अलावा भी, शो के अलावा भी? आज उन्होंने सॉन्ग गाया था कदी आमिल सावल यार वे, तो ये सॉन्ग थोड़ा सा सूफियाना टाइप का है, तो ये मैंने कई दफा चलते चलते कहीं ना कहीं मुझे इसकी आवाज आती थी तो मैं ठहर जाती थी, ये तो आज अचानक से हाँ जी बिल्कुल तो आज मैंने उनकी आवाज में जब सुना तो मैं हैरान रह गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वैसे उनके जो सॉन्ग हैं जो वो गाते हैं अक्सर मैं सुनती हूँ, उनमें से उनका अपना जो सॉन्ग है यकीन आया, वो सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उससे मुझे पता नहीं क्यों एक हौसला मिलता है, उसके लिरिक्स ऐसे हैं कि मुझे उससे एक हौसला मिलता है, ताकत मिलती है मुझे। और एक तू ही रे सॉन्ग है उनका, वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और सबसे ज्यादा फेवरेट मुझे शायद सॉन्ग लगता है क्योंकि उनको पहली दफा गाते सुना मैंने शायद सॉन्ग था ऑडिशन में, शायद से शुरू करते हैं सारे शोज को। हाँ मुझे वो बहुत पसंद है बहुत ज्यादा, और मैं कभी भी गाती नहीं हूँ लेकिन मैं वो वाला सॉन्ग अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ, मुझे गाना नहीं आता लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। उसकी लाइंस भी कुछ ऐसी हैं, तो वो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे दिल की बात गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो पहले एक पोयम लिखी थी वो यू नो हमारे जो व्यूअर्स हैं भरत, उन्होंने ट्रांसलेट भी किया था, मैं उसकी छोटी सी लाइन बता देता हूँ और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कुछ नया लिखा है या आप उसको थोड़ा पढ़ के बता दें। तो उन्होंने लिखा था कि तेरे आने से पहले ए मेहरबा मेरे, क्या वक्त था क्या हालात थे, थी रात घनी घनघोर अंधेरा, खौफ था हर सू पर पहरा। तो ये उस तरीके की आपकी यू नो अब मेरे ख्याल से काफी पॉपुलर हो गई है इंडिया में यू नो, और ये पवनदीप तक भी पहुंची है, तो इसके बारे में बताइए, इस पोएम के बारे में बताइए कुछ। जी इस पोएम के बारे में मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बताया जो मेरी कंडीशन थी, तो ये मैंने उसी कंडीशन पर पोएम लिखी है कि आज मुझे बहुत खौफ था और मैं एक रूम तक बंद थी और बस मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, लेकिन बस पवन आए, उनकी स्माइल उनकी आवाज, उसकी वजह से जो है मुझे एकदम से वही बिस्तर से ही उठकर मैं खड़ी होने लगी, मैं सोने लगी, मैं पिल्स लेकर सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं मतलब मैं सो जाती थी और मैं जब सारा दिन पवन को ही देखती थी और सुनती थी, जब मैं सो जाती थी तो ख्वाब में भी पवन के साथ ही रहती थी, मुझे ऐसे लगता था जैसे कि वो मुझे हंसाते हैं, मुझे ऐसे लगता था कि वो मुझे हिम्मत देते हैं, तो मैं जब जागती थी तो पवन नहीं होते थे, मैं सोती थी तो वो मेरे साथ होते थे। तो मेरी जितनी भी पॉइंट्स हैं मेरे अकाउंट में इंस्टा के,
तो उस हर पोएम में मेरी एक याद है, एक एहसास है, और खास तौर पे पवन के लिए हर पोएम में एक मैसेज है। आप अगर कभी आप एक काम करिए, जो क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने खासकर बोला है कि क्या आप आलिया से बोल के एक पोएम बुलवा सकते हैं, अगर आपने कोई नई पोएम तैयार करी है क्या आप उसको बोल सकती हैं अभी? बिल्कुल। मेरी तो अकाउंट में तकरीबन 20 पोएम्स हो चुकी हैं, तो सारी ही मेरी दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। आप कोई भी एक सुना दीजिए इस समय। ठीक है, मैं सुना देती हूँ। मैंने एक लिखी थी, ये सोच कर लिखी थी कि मैं पवन से मिलना चाहती हूँ, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि ना मैं यहाँ से बाहर आ सकती हूँ और ना वो यहाँ आ सकते हैं। तो मैंने ये पोइम इस तरह से सोचकर, काफी परेशान थी, इमोशनल थी, तो मैंने ये पोइम लिखी है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। बिल्कुल। काश के ये सरहद ना होती, ऐ काश के ये सरहद ना होती, ये फासले ना होते, ये दूरी ना होती। बहुत अच्छे। तू गुजरा करता जिन राहों पर, मैं भी उन पर चला करती। रिमझिम बरसती बारिश में, खुली महकी फिजाओं में, बिखरी तेरी खुशबू होती। काश कोई तो ऐसी राह होती जो मुझको तुम तक लेकर जाती। तू देखकर हंसता पागल बन मेरा, और मैं तेरी आंखों में खो सी जाती। तू करने लगता बातें मुझसे, तो मेरी बातें गुम हो जाती। तू करने लगता बातें मुझसे, तो मेरी बातें गुम हो जाती। उस पार हो तुम, इस पार हूं मैं, ऐसी ये मजबूरी ना होती। काश के ये सरहद ना होती, ये फासले ना होते, ये दूरी ना होती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें मतलब इतना इमोशन है और दर्द है, मैं कहता हूँ इसमें जब मैं आपको सुना तो आई कैन फील गूज़बम्प्स विद इन मी, मैं अपने अंदर भी गूज़बम्प्स महसूस कर पा रहा हूँ उसको। तो ये मैं जरूर चाहूंगा कि ये आपकी पोएम पहुंचे, पवनदीप तक भी पहुंचेगी और फैंस तक भी पहुंचेगी उनके सारे, और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया तक तो खैर पहुंचेगी ही पहुंचेगी ये। अब मुझे आप ये बताइए कि आप पवनदीप के लिए, आपने पोएम से तो मैसेज दे दिया, अब वैसे क्या मैसेज देंगी उनको? पवन के बारे में मैं क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहती हूं, और मैं सोचती हूं कि अगर कभी मैं मुझे मौका मिला तो मैं तो जैसे मैंने अभी बोला कि तू करने लगता बातें मुझसे, तो मेरी बातें गुम हो जाती, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन फिर भी उनसे ये कहना चाहूंगी, हाँ जी, काश ये सरहद ना होती। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पवन से, खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि पवन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो अल्फाज हैं वो आपकी आवाज के लिए बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा उनको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे अल्फाज वो आपकी आवाज के लिए बने हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अल्फाज आपकी आवाज में सुनूं। एक बार आप मेरे दिल की बात अपनी जुबान से कहें तो मेरे, मुझे बहुत खुशी होगी। और इसके अलावा एक मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मैं बांसुरी की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बांसुरी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब भी पवन को गाते देखती हूँ तो हमेशा से मेरे दिल में ख्वाहिश आती है कि पवन बांसुरी बजाएं। पवन तो मैंने हाँ जी बिल्कुल, उस दिन मैं बहुत खुश हुई हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुई, मैं बोल रही अल्लाह, ये मेरे दिल की बात, ये कैसे पूरी होगी बिना बोले। लगता आपका तो मैं ये बोलना चाहती हूँ उनके साथ में बहुत। मैंने उनके लिए एक पोएम ये भी लिखी है, मेरे रूह के साथी। तो मैंने उनके लिए लिखी है, मैं उनको अपना रूह का साथी बोलती हूँ, मैं उनको अपना दोस्त बोलती हूँ। तो बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि वो बांसुरी बजाएं, उन तक मेरी ये बात पहुंच जाए कि पवन आप एक दिन बांसुरी बजाएं, और बांसुरी जिस दिन, हाँ जी, जिस दिन आप वो बांसुरी बजाएंगे तो आलिया समझ जाएगी कि आलिया के इमोशंस आपके दिल को पहुंच चुके हैं, आपने फील कर लिए, तो वो मेरे लिए है। बिल्कुल, मुझे लगता है आज के बाद जब भी वो फ्लूट या बांसुरी बजाएंगे वो आपके लिए हमेशा। बिल्कुल, बस ये मेरी बहुत बड़ी विश है। बिल्कुल, हाँ जी। आप उनके फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी, और आप भी उनकी एक फैन हैं, बहुत बड़ी फैन है इनफैक्ट, और जो जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उनके लिए आप कुछ कहेंगी? जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप सबका प्यार है, आपका इतना ज्यादा प्यार, पहले मुझे अपनी फैमिली से प्यार मिलता था, लेकिन अब मुझे आप सब लोगों का इतना प्यार मिलने लगा है जब से मैंने वो पोएम लिखी है और जब से मेरा अकाउंट बना है। तो मैं बहुत बहुत आपके प्यार का, आपकी दुआओं का, और इस हर चीज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने प्यार करने वाले लोग हैं,
मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा कि काश ये सरहद ना होती, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे दरमियान अमन कायम हो और हम हमारे दरमियान दोस्ती हो और ये प्यार जो यहाँ के लोगों में भी है, वहाँ के लोगों में भी है, वो एक दूसरे को पहुंचे। बिल्कुल हाँ जी। और फैंस को मैं ये कहना चाहूंगी कि हम पवन की फैमिली हैं, बिल्कुल, और हमें उनको हमेशा फैमिली की तरह ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि फैमिली तो वो होती है जो दुख में भी साथ देती है और सुख में भी साथ देती है, चट्टान बनकर खड़ी रहती है, तो हमें उनके पीछे वैसे ही खड़े रहना होगा। और एक और बात कहना चाहूंगी, माजरत के साथ, अगर किसी को बुरी लगे तो माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पवन और अरुणिता बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के हर हाल में सपोर्ट करते हैं, एक साथ खड़े रहते हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उनको जो चाहने वाले हैं, अरुणिता के चाहने वाले हैं और पवन के चाहने वाले हैं, तो वो एक हो जाएं, और जिस तरह वो एक होकर एक दूसरे का साथ देते हैं, ये भी एक होकर एक दूसरे का साथ दें और दोनों को प्यार दें। मुझे लगता ये पैगाम मैं देना चाहती हूँ। काफी हद तक साथ है मुझे तो लगता है। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि दुख होता है, तो मैं चाहती हूँ कि बस हम सब साथ रहें। ह्यूमन नेचर है ये बेसिकली। हाँ जी बिल्कुल, ज्यादातर मैंने देखा है कि वो साथ ही हैं। हाँ जी गुड। आपने अपनी पोएम में, तो अपनी नज्म में आपने बोला कि ये काश ये सरहद ना होती, फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप कभी पवन को पाकिस्तान इनवाइट करेंगी, क्या आप सुनने के लिए उनको पाकिस्तान इनवाइट करेंगी कभी, अगर आपके हाथ में रहा तो? हाँ, अगर मेरे हाथ में रहा तो मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार इनवाइट करूंगी। okay. मैं बार बार इनवाइट करूंगी, क्योंकि मैं तो उनको देखे बगैर, मतलब देख के मेरा जी नहीं भरता। तो मैं अगर कभी वो मेरे सामने आ गए तो मैं कभी ऐसा, मैं समझ नहीं आ रही क्या बोलूं। बस मैं यही चाहूंगी कि वो बार बार आए। हाँ जी, वो बार बार आए, मैं ये जरूर चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने अभी रिसेंट इंटरव्यू मेरा देखा होगा मुसरत जी के साथ में, और बिल्कुल बिल्कुल वो तो रो पड़ी थी वहाँ पे मिल करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं, मेरा भी यही हाल होगा अगर कभी मैं मिल पाऊँ, जो कि नामुमकिन सा नजर आता है, लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनके लिए, पवन के लिए मेरे दिल में प्यार और इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने हमारी मुसरत आपी को इतना प्यार और इतनी इज्जत दी है कि उनकी खुशी से छलक रही थी, मतलब आंखों से उनकी खुशी छलक रही थी, और हम लोगों के दिल भी भर आए थे। वो इतने अच्छे इंसान है, उन्होंने इतना प्यार दिया है उनको, तो बहुत खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अपने फैंस की बहुत कदर करते हैं वो, मैंने देखा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कदर करते हैं। और पहचानते हैं अपने, यू नो, डाई हार्ट फैंस को पहचानते हैं कौन है कौन नहीं है करके, और डेफिनेटली आपको भी पहचानते हैं कहीं ना कहीं। अल्लाह करे कि ऐसा हो, मैं चाहती हूँ कि वो बांसुरी तो बजाएंगे, मुझे लगता है आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी, तो यू नो आपने पहले ही बोला कि रूह का कनेक्शन है आपका, तो डेफिनेटली होगा वो। हाँ जी, इसी से जुड़ता मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज दिस वन, कि अगर कोई मिडिल ईस्ट में कोई उनका कोई कॉन्सर्ट होता है कहीं पर भी, क्या आप जाएंगे? तो क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान से तो सबसे इजी मिडिल ईस्ट जाना होता है, वैसे तो और कंट्रीज भी होता है लेकिन नजदीक होता है, मिडिल ईस्ट में काफी कॉन्सर्ट होते हैं, क्या आप जाएंगे कभी टिकट लेकर के वहाँ पे उनसे? मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जान लगा देंगे आप? लेकिन हाँ जी, जान लगा दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती, वो मतलब हम लोग घर में ही रहते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है, मगर मुझे उनका साथ आपकी फैमिली से, मतलब आपके पेरेंट्स से भी, आपके अगर ब्रदर्स हैं बड़े हैं जो भी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उनके साथ आप जाएं और जरूर जाएं। हाँ। आप उनको जरूर सुने एक बार, मतलब होती है ख्वाहिश होती है आदमी की, यू नो, किसी की भी लाइफ में कि मैं अपने सबसे बड़े फेवरेट स्टार को, और जिसने जिसके साथ में आपका इलाज मतलब ठीक हुई है आप लोगों, मैं तो ये हमेशा दुआ करूंगा कि ऐसा हो आपके साथ में, आप उनको एक बार तो जरूर मिले कम से कम। बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरी भी यही दुआ है, और मैंने उनके लिए पोएम्स लिखी हैं, एक ये जो मैं पोएम्स अकाउंट में डालती हूँ ये अलग पोएम है, मैंने उनके लिए एक डायरी लिखी है पूरी उनके लिए, और बस मैं कभी चाहती हूँ कि किसी तरह एक बुक की सूरत में कभी, या इसी तरह डायरी की सूरत में किसी तरीके से मैं उन तक वो डायरी, वो पोएम्स पहुंचा सकूं। तो मेरी तरफ से ये भी मेरी एक बहुत बड़ी विश है। बिल्कुल, मेरी तरफ से पवन दीप के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी, पहली तो ये रहेगी कि वो आपके लिए बांसुरी बजाएं, और मुझे लगता है कि जरूर बजाएंगे। दूसरी मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट उनके लिए रहेगी कि वो आपके पोएम पे, क्योंकि वो म्यूजिशियन भी हैं, वो एक सॉन्ग कंपोज करें और गाएं भी उसको, मेरी मतलब एक दिली ख्वाहिश रहेगी कि वो जरूर इस चीज को करें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा।
ऐसा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपकी 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 पोएम, आपके लिरिक्स, आपने जो नज़्म लिखी है वो इतनी खूबसूरत है, क्यों नहीं होना चाहिए उस पे, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। सो दैट्स ऑल आलिया, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी मिली। मैं भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करूंगा, यू नो प्रेयर्स करूंगा कि आप हमेशा जिंदगी में खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें हमेशा, और आप तरक्की करें हमेशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और मुझे खुद भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने का। नो नो नो, मैं तो बोलता हूँ हमेशा, यू नो आपने मुझसे रजित के साथ भी मेरा इंटरव्यू देखा है, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं एक यू नो कॉमन मैन, आप लोगों की तरह ही, यू नो मेरा एक पैशन है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ व्यूज लोगों के हैं जो दूसरों तक पहुँचाए जाए, बेसिकली फ्रेंड्स के, यही मैं कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आलिया, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू, बाय।